हरदा जिले की हंडिया तहसील क्षेत्र के रिजगांव में आदिवासी युवक सत्यनारायण कलम की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में आज गोगपा पार्टी भीमार में जयस और गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम लगा दिया। मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने शीघ्र ही न्याय दिलाने की बात कही। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना में 2 माह बीते जाने के बाद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। आंदोलन कर रहे सामाजिक संगठन ने आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। मांग पूरी नहीं होने पर व्यापक स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। आज चक्का जाम हमारा पिछला 10 तारीख से यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है और प्रशासन से हमारी मांग है कि जो 27 अगस्त को बेरहमी से सत्यनारायण कलम की गला काट कर हत्या कर की गई है रिजगांव में, उसी को लेकर के हम पिछले 2.5 महीने से शासन प्रशासन के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि भाई ये परिवार को न्याय दो, परिवार को न्याय दो। आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे और उनकी जो भी मांगे हैं उनको शासन के द्वारा शासन पहुँचा दिया है।